बेसिकली 10 दिन का स्ट्रेटजी है यार, हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हैं, हमें इन 10 दिन में किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज कहते हैं ना कि द थिंकिंग दैट गाइड्स यू इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वट एवर नॉलेज यू हैव। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 डेज स्ट्रेटजी फॉर द जेई, और सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हाय एवरीवन, माईसेल्फ विवेक शर्मा, सेकेंड ईयर यूजी स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे एंड ऑल्सो स्टूडेंट मेंटर। सो आज की वीडियो में हम लोग 10 डेज स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं कि आपको 10 दिन में ऐसे क्या क्या करने होंगे। ठीक है, बेसिकली 10 दिन का स्ट्रेटजी है यार, हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हैं, हमें इन 10 दिन में किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज कहते हैं ना कि द थिंकिंग दैट गाइड्स यू इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वट एवर नॉलेज यू हैव। ठीक है, तो इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें इसको पूरा स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चलना होगा। 10 दिन में तुम्हें एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट दे लो, और अपने इस 10 दिन के स्टडी को एटलीस्ट तुम लोग कम से कम 3 आवर स्लॉट में पढ़ो। ठीक है, ये 3 आवर स्लॉट क्या है, आपको हर स्टडी का एक स्लॉट बनानी होगी जिसमें कि 3 घंटे का वो होना चाहिए, राइट? क्योंकि 3 घंटे वाला इसलिए फ़ायदा है, फर्स्ट इसलिए क्योंकि आप इसमें 3 घंटे के साथ साथ क्या करोगे, आप ये एनालाइज कर पाओगे 3 घंटे में कितना कर पा रहे हो, और फाइनली आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना भी है, राइट? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 3 घंटे में अपनी स्टडी को मैनेज करो। तो दिन भर में 3 स्लॉट बना सकते हो, सुबह 9 to 12 एंड 2 to 5, एंड देन आफ्टर डिनर आप बना सकते हो जैसी आपकी विश। ओके, बट ये 3 आवर स्ट्रेटजी जरूर, 3 आवर स्लॉट का स्ट्रेटजी जरूर यूज़ करो, क्योंकि ये मैंने भी यूज़ करा था और मैं अपने मेंटीज को भी यही सजेस्ट करता हूँ, तो काफ़ी इसे फ़ायदा मिला है मेरे को, तो तुम्हें भी मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमें बिल्कुल देखो, पढ़ाई सबने करा है, सबको सभी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन है ऑब्वियसली, तो हमें जो करना है काम वो अपने अनुसार करना है, और ये अपने अंदर बिलीव रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल मेरे को आएगा। क्योंकि जैसे ही तुम सामने वाले को ओवर एस्टिमेट कर लेते हो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे तुम अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और लैग कर जाते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करो और ये बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द इंट्रोडक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ द जेई एडवांस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं और तुम एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और इजी, मीडियम, मॉडरेट। ठीक है, सो बाय बाय।